સુરતના સૈયદપુરા વરિયાળી બજારમાં શ્રીજીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી ત્યારે 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ વરિયાળી ચાર રાજા તરીકે ઓળખાતા ગણેશ પ્રતિમા પર 6 મુસ્લિમ તરુણો દ્વારા પ્રથમ મારો કરવામાં આવ્યો હતો જે બાદ વિસ્તારમાં ભારે તંગદિલી સર્જાઈ હતી જો કે આ મામલે સુરત પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લેતા 27 જેટલા આરોપીઓને શોધીને અટકાયત કરવામાં આવી હતી સુરત શહેર પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી ગઈકાલે સૈયદપુરા વિસ્તારમાં બનેલ ઘટનાને લઈ સુરત પોલીસ સતર્ક રહી હતી ગણપતિ પંડાલમાં પથ્થરમારાની ઘટનાને લઈ સુરતનો સૈયદપુરા રામપુરા વિસ્તાર પોલીસની નજર હેઠળ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું ગઈકાલની ઘટનાને પગલે સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા આજે અઠવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ હાથ ધરાયું હતું ડીસીપી ઝોન 4 તથા એસીપીના નેતૃત્વમાં કોમ્બિંગ હાથ ધરાયું હતું અઠવા પીઆઈ સહિત પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા બાઇક પર થતા પગપારા કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું અઠવા પોલીસ સ્ટેશનની હદ વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું मैं अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में अभी गणपति का त्यौहार चल रहा है। गणपति जी की स्थापना हुई है और विसर्जन है 17 तारीख को और 16 तारीख को ईद का भी त्यौहार है। दोनों के बड़े प्रोसेशन इस एरिया में से निकलने वाले हैं तो उसके भाग रूपे यहाँ एरिया में पेट्रोलिंग की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जितने भी ढाबा हैं सारे ढाबा 100% ढाबा हम लोग ड्रोन से और हमारे पुलिस वालों से चेक करवा रहे हैं। अगर किसी ढाबा पे पत्थर मिले हैं तो आज हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाई चांस कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा वहां पे कोई मटेरियल पड़ा है कंस्ट्रक्शन का पत्थर वत्थर पड़े हैं तो उनको हटाने के लिए बोल रहे हैं। फिर दोबारा से कल परसों फिर हम चेक करेंगे, दोबारा मिलेगा तो गुनाह दाखिल करेंगे बाद में जो भी मकान का मालिक रहेगा उसके ऊपर। और नए कोई भी किराएदार नए आदमी इस एरिया में रह रहे हैं बाहर के आदमी आके न्यूसेंस करेंगे तो जो आदमी उनको शरण देगा वो उनके लिए जिम्मेदार रहेगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएंगी। और अभी हमारे एरिया में जितने तड़ीपार हैं जितने आरोपी हैं बॉडी ऑफेंस करने वाले हैं उन सब की लिस्ट तैयार करके उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है, तड़ीपार को चेक किया जा रहा है, हिस्ट्री सीटर एमसीआर हैं उन सबको चेक कर रहे हैं हम लोग और ये कंटिन्यू ड्रोन से हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा और इस तरह से एरिया डोमिनेशन ये सब काम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पब्लिक से भी अपील है कि इसमें पुलिस का सहयोग करें और उन्हें ढाबा पॉइंट चेक कर लें, उस पर किसी तरह का ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे हम कंटिन्यू हमारे जो सेल है साइबर सेल है वो और लोकल पुलिस स्टेशन ये कंटिन्यू उसको मॉनिटर कर रहे हैं सोशल मीडिया को। कोई भी आदमी अगर नेगेटिव या भड़काने वाली कोई भी चीजें लिखेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हम कंटिन्यू इसको मॉनिटर कर रहे हैं और पब्लिक से भी अपील है कि इस तरह की अगर चीजें कोई सामने आती है तो अफवाहों पे ध्यान नहीं दे, हमें बताए कि इस तरह की चीजें कोई सोशल मीडिया पे डाल रहा है।